नमस्कार, मैं अवरचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार की सियासत में हलचलों का दौर इस वक्त बहुत तेज दिख रहा है। इसी बीच खबर भी ये आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हैं क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान उनको सिर्फ एक सीट दी गई है, लेकिन अब बीजेपी आलाकमान ने उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया है। उनको मनाने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। दरअसल ये तस्वीर तब साफ हुई जब विनोद तावड़े ने एक ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये वादे किए गए थे कि एक लोकसभा सीट और एक विधान परिषद की सीट उन्हें दी जाएगी। बीजेपी अपने वादों को लेकर प्रतिबद्ध है, यानी कि बीजेपी ने पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस बाबत डील कर ली थी। लेकिन खबर ये चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो तीन सीट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जब अनाउंसमेंट हुआ एनडीए को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, तो उसमें एक सीट ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई। शायद यही वजह रही कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सामने आकर ये बातें तो नहीं कही। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा इस सीट शेयरिंग को लेकर काफी नाराज हैं और वो तीन सीटों की डिमांड कर रहे थे। इवन कि जब सीट शेयरिंग का ऐलान एनडीए की तरफ से किया जा रहा था, उससे ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातें बीजेपी आलाकमान के समक्ष रखी थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि एक तस्वीर सामने आती है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने पहुंचते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, महामंत्री, महासचिव विनोद तावड़े। अब जब ये खबर सामने आती है उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी एक ट्वीट करते हैं, एक्स पर वो लिखते हैं कि बीजेपी ने हम पे भरोसा जताया है तो 40 सीट को जीतने में एनडीए कामयाब रहेगी। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी नाराजगी अब इस बाबत नहीं है, वो बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं और काराकाट सीट जो उपेंद्र कुशवाहा को मिली है उस सीट से ताल ठोकेंगे और चुनाव में जीतेंगे भी। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी दावे कर दिए कि 40 की 40 सीटें बिहार में एनडीए जीतने जा रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये तो खुल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो बिल्कुल तय है कि अब बीजेपी की आलाकमान ने उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया है, एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।